इस घटिया से कर्सर को देख के आपका दिमाग खराब होता होगा। चलिए आज इसको बदल ही देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मोहित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप अपना जो कर्सर है उसको कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। आप अपने मन का किसी भी इमेज को आप चाहते हैं, अपना फोटो लगाना चाहते हैं, कोई पर्सनली अपने दोस्त का, फैमिली मेम्बर का, किसी का भी अगर आप पॉइंटर पर जो है अगर आप फोटो लगाना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक डॉल का लगा हुआ हुआ है, तो ऐसे ही आप किसी भी पॉइंटर को आप चेंज कर सकते हैं कैसे भी, चाहे आप वेटिंग वाला पॉइंटर हो उसको, या डायरेक्टली जो शो होता है उसको, या कर्सर है उसको, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कैसे करना है देखिए, सबसे पहले कुछ जो वेबसाइट्स हैं उनसे आपको जो भी इमेजेस होती हैं उनको आपको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। कैसे करना है देखिए, सबसे पहले एक वेबसाइट, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, cursor.cc, ठीक है, ये वेबसाइट है। और यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर आपको अगर आपको पहले से बने बनाए कर्सर चाहिए तो टॉप रेटेड कर्सर पे कर देना, या लेटेस्ट कर्सर पे कर देना, वो डिपेंड करता है आप कैसे चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको सारी की सारी जो लिस्ट है, जैसे मान लीजिए मैं कोई भी डाउनलोड करना चाहूँ, तो यहाँ पर जो रेड लाइट सेवर है कायरो रैन के प्रकार का, तो यहाँ पर डाउनलोड कर्सर में यहाँ पर कर दूँगा, ठीक है। तो ये जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से डाउनलोड होकर यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ये कर्सर आ गया यहाँ पर, और इसको मैं यहाँ पर शो इन फोल्डर कर दे रहा हूँ। और कर्सर को जो है अब मैं क्या करूँगा, इसको सेट कैसे करना है, इसके लिए आपको टाइप या सर्च पर यहाँ पर आपको पॉइंटर्स टाइप करना है, POINTER, ये आपको सेटिंग में देखने को मिल जाएगा। सेटिंग में जाने के लिए आपको सेटिंग पे जाना, यहाँ से आपको सेटिंग पे जाना है, सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा डिवाइसेस, और डिवाइसेस में यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स, और इसी में दोस्तों आपको माउस पे भी जा सकते हो। माउस पे आप देखें तो एडिशनल माउस एंड सेटिंग्स पर जाना है आपको, यहाँ पर आपको पॉइंटर्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आप पॉइंटर्स पे जाओगे तो यहाँ पर आप नॉर्मली सिलेक्ट पर सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ से ब्राउज कर लेना, या इस पर डबल क्लिक कर देना, वो डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो। तो उसमें जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो इस प्रकार का कर्सर्स जो है आप अपने कस्टमाइज कर सकते हो। अब आपने जो चीज़ डाउनलोड की होगी वो कैसे करना है, दूसरी जगह से मैंने यहाँ पर कोई भी चीज़ डाउनलोड, दो तीन कर्सर हैं जो मैंने डाउनलोड किए हैं, ऐसे ये कर्सर ये है, ठीक है, एक ये था दिल वाला, तो अगर मैंने ये वाला डाउनलोड किया होगा तो इसको मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए आप ये वाला फायर वाला हो गया, ठीक है। ये डिपेंड करता है आप अपने कैसे, अब कस्टमाइज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने जो कर्सर का जो साइज़ है अपना बढ़ा रखा है थोड़ा सा, देखो कस्टमाइज़ कैसे करना है, आपको इसी वेबसाइट्स पर आना है, और इसी वेबसाइट पर आपको एक फ़ोटो लेना है। मान लीजिए मुझे अपनी फ़ोटो लेनी है, या मान लीजिए किसी दोस्त की या कैसे भी फ़ोटो लेनी है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इम्पोर्ट इमेज नाम का, ठीक है। तो 5 MB तक की फ़ोटो होना चाहिए, और PNG फाइल हो तो और ही अच्छी है। तो चूज़ फाइल पर जाता हूँ, यहाँ पर मेरे पास कोई भी जैसे कांड किसी प्रकार का एक कोई भी फ़ोटो ले ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी फ़ोटो ले लेते हैं, जैसे ये कर्सर है तो ये किंडा PG ले लेते हैं, ठीक है, उसको अपलोड कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हम अपलोड कर रहे हैं कोई भी कैसा भी फ़ोटो, सब फोटो उसमें काम करेंगे आपके। तो ये देखिए अपलोड होगा, ये आपके जो सारे पिक्सल हैं फटे मिलेंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब वो जॉइंट होते हैं तो वैसे ही नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखने को मिलेगा आपका कर्सर कैसा होने वाला है, तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल आपको देखने को मिलना है, एग्जाम्पल फर्स्ट एंड एग्जाम्पल सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आपको डाउनलोड कर्सर कर देना है, जैसे आप डाउनलोड कर्सर करेंगे तो आपका जो कर्सर है ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। आपको उसी कर्सर पर जाने के बाद शो इन फोल्डर कर देना है, या आप जहाँ पर भी डाउनलोड करना है उस लोकेशन को, जैसे ये कर्सर मेरा आ चुका है। उसके बाद वही मैंने बताया था आपको सेटिंग में जाना है, यानी पॉइंटर सेलेक्ट कर देना है, यहाँ पर पॉइंटर सर्च करना है, चेंज माउस पॉइंटर कलर इस पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको एडिशनल माउस सेटिंग्स पर जाना है, उसके बाद एडिशनल माउस एंड कर्सर साइज पर जाना है, उसके बाद मेडिसिनल माउस सेटिंग्स पर जाना है, ओ माय गॉड, एडिशनल माउस कर्सर साइज पर जाना है, उसके बाद कहाँ पहुँच गए, एडिशनल ऑप्शंस पे जाना है, उसके बाद पॉइंटर्स पे आने के बाद फिर आपको वही चीज़ करनी है नॉर्मली, जैसे मैंने बताया था आपको, जो आपने डाउनलोड किया हो जहाँ से भी कैसे भी कहीं से आपने लोकेशन जहाँ पे भी आपने डाउनलोड किया हो तो वो आप चीज़ उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास 3-4 हैं पहले के, तो ये वाला है तो मैं ये वाला कर दे रहा हूँ अप्लाई, ओके। तो ये कलर जो है चाहे कैसे भी कर सकते हो आप, नॉर्मली किसी भी प्रकार का कोई फ़ोटो होता है तो फ़ोटो भी आप इस पर लगा सकते हो, आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है।
क्योंकि बोरिंग लैपटॉप बोरिंग ही हो जाता है, और आप अपने लैपटॉप को एक नया लुक दे सकते हो। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर, और जो वेबसाइट्स हैं एक और दो तीन होंगी वो एक्स्ट्रा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से विजिट कर सके, इसके डाउनलोड कर लेना। तो प्लीज़ आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। मैं आपके लिए विंडोज़ की, एंड्रॉयड की, साथ साथ आईफोन की जबरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।